सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं हजारों जजमेंट में सील कवर प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया है और उसके बाद आज ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई। जो चार वादनी महिलाएं हैं जिनकी आज प्रार्थना पत्र पर एएसआई सर्वे हुआ, उनको कॉपी तक नहीं प्रोवाइड की गई रिपोर्ट। बिल्कुल हमने आपत्ति दर्ज कराएंगे और अगर न्यायालय इसकी कॉपी हमें नहीं प्रोवाइड करेगा और सील कवर नहीं खोला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में आज एएसआई ने वाराणसी की जिला अदालत में कोर्ट में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की है। अब मामले पर पक्षकारों को 21 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हालांकि हिंदू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील्ड रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है, कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए थी। सर्वोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है। इस वक्त तमाम वादी महिलाएं भी हैं और वकील भी हैं। हम सबसे पहले जो है विष्णु शंकर जैन से बात करना चाहेंगे। विष्णु शंकर जैन जो है तमाम जानकारी देंगे हमें। विष्णु जी, आज क्या रहा कोर्ट में प्रोसीडिंग? देखिए, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट फाइल की, पर वो रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सील कवर में फाइल की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ऑर्डर में कि ये रिपोर्ट वैसे ही फाइल होगी जैसे ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की रिपोर्ट फाइल होती है। किस बात की आपत्ति है आपको? मुझे आपत्ति इस बात की कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 4 अगस्त 2023 को हुई थी तो अंजुमन इंतजामिया ने मांग की थी कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए। उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था और ये बात कही थी कि रिपोर्ट नॉर्मली फाइल होगी जैसे एक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट फाइल होती है। अगर आपने इस केस का अवलोकन किया हो तो इस केस में जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट भी फाइल हुई थी वो सील कवर में फाइल नहीं हुई थी। सील कवर में फाइल करने का सीधा सीधा लॉ ये है कि सील कवर में आप तभी फाइल कर सकते हैं जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं हजारों जजमेंट में सील कवर प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया है और उसके बाद आज ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई। जो चार वादनी महिलाएं हैं जिनकी आज प्रार्थना पत्र पर एएसआई सर्वे हुआ, उनको कॉपी तक नहीं प्रोवाइड की गई रिपोर्ट की। हम अवलोकन तक नहीं कर पाए कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। तो मुझे लगता है कि ये गलत प्रोसीजर था, कोर्ट के प्रोसीजर का वायलेशन था और ये बात हम 21 दिसंबर को कोर्ट में पॉइंट आउट करेंगे। आप लोग इसको इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, हमने आपत्ति दर्ज कराएंगे और अगर न्यायालय इसकी कॉपी हमें नहीं प्रोवाइड करेगा और सील कवर नहीं खोला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई है उस पर इनको आपत्ति है और आने वाले दिनों में यह अपनी आपत्ति कोर्ट में दर्ज कराएंगे। तो हिंदू पक्ष के वकील ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह डाली है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो भी जान लीजिए। वादनी महिलाएं हमारे साथ, आप देख सकते हैं चेहरे बता रहे हैं कि काफी खुश हैं ये। सबसे पहले हम बात करेंगे मंजू जी से। मंजू जी, क्या कहना है? बिल्कुल, सच्चाई सामने उभर के आ जाएगी, अब खुलासा हो जाएगा। जो सच्चाई हमारे छुपा रहे थे, मुस्लिम पक्ष कभी नहीं चाह रहा था कि सच्चाई का सामना करे, ये चाह नहीं रहा कि सच्चाई का सामना कैसे कर पाएंगे, इसलिए वो लोग बार बार अड़चने फैला रहे हैं। तो इसलिए अब हमारी जीत है और जीत बहुत जल्दी होने वाली है। सीता साहू जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल यही सत्य जो छुपाया जा रहा है। देखिए, आज भी जब सबमिट हुआ है रिपोर्ट तो मुस्लिम पक्ष ने यही आपत्ति लगाई है कि इसे ये अपना बात को रखा है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, इसको सीलबंद रखा जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो जब सर्वे हो रहा था वो भी जा रहे थे, पर डे वो लोग, उन लोगों ने भी देखा है कि क्या क्या मिला है, तो वो सच जान रहे, सच से डरे हुए, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि सच सामने न लाया जाए, उसे सील पैक रखा जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि सार्वजनिक हो, इसलिए कि सत्य हम लोग जान रहे। हम लोग सर्वे में जाते थे, देखते थे, 92 दिन तक सर्वे चला है, हम लोग पर डे जाते थे और देखते थे क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो फिर हम लोग तो जान रहे, लेकिन वो सामने आना चाहिए, तभी तो सच सामने आएगा। बार बार जो हमारे मंदिर को आप मस्जिद बोल रहे हो वो सत्य सामने आएगा तो ही तो पता चलेगा। सत्य सामने आना चाहिए। रेखा जी भी हमारे साथ हैं। रेखा जी, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, आज जो रिपोर्ट पेश हुई है आपको क्या लगता है मील का पत्थर साबित होगी? क्यों नहीं होगी, मील के पत्थर साबित होगी। हम ये कह रहे हैं भैया कि ये जो बोल रहे हैं आप, आपत्ति लगा रहे हैं कि सील बंद रहना चाहिए। क्यों सील बंद रहे? जब आप 92 दिन तक हम लोग के साथ में आप एक एक चीज देखे हैं तो आपको सील नहीं बंद करवाना चाहिए, आपको तो ओपन करवाना चाहिए कि हाँ वादी महिलाओं के ओपन हो जाए, सारे लोग देखें। फिर आप आपत्ति क्यों लगा रहे हैं? क्यों हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्यों आप आपत्ति लगा रहे हैं? ओपन होना चाहिए ना। तमाम अड़चने आई, तारीख पर तारीख पड़ी और फाइनली आज जो है रिपोर्ट सबमिट हो गई। कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश है, अभी हम लोग का परिश्रम और बचा है।
क्योंकि सार्वजनिक जब होगा तो हम लोग को सच सामने लाना है, सच वो सामने आएगा। परिश्रम हम लोग करते आ रहे हैं, परिश्रम बचा है जब तक, जैसे अयोध्या में हुआ है काफी परिश्रम के बाद हम लोग वहाँ पे साबित हो सका है। राम मंदिर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह यहाँ भी साबित हो जाएगा कि मंदिर था रहेगा और वहाँ पे भी भव्य मंदिर बनेगा। जो बाबा विश्वेश्वर जी है जो मूल रूप से वहाँ पे स्थापित है वो साबित हो जाएगा कि वहीं पे है। तो हिंदूवादी महिलाओं ने उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही सच सामने आएगा और फैसला उनके पक्ष में आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर आगे क्या नया मोड़ सामने आता है। वाराणसी से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।